बात है 1990 के दशक की। बिहार के रोहतास जिले में एक गांव पड़ता है नावाडी। इसी गांव के रहने वाले थे कमलेश जी पांडे। सोन नदी से बालू निकालने के छोटे मोटे ठेके लिया करते थे। उस समय ठेके लेने वालों को दबंग माना जाता था। कमलेश जी पांडे की छवि भी ऐसी ही थी। इन्हीं के बड़े बेटे थे नरेंद्र पांडे, जिन्हें सुनील पांडे के नाम से भी जाना जाता है। सुनील बेंगलुरु में इंजीनियरिंग करने गए। बताते हैं कि वहां उनका किसी से झगड़ा हो गया और झगड़े में सुनील ने उस लड़के को चाकू मार दिया। इसके बाद सुनील ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ गांव आ गए और पिता के साथ काम में लग गए। शहाबुद्दीन के साथी से दोस्ती की, बाद में उसकी हत्या में नाम भी आया। शहाबुद्दीन का नाम आज भी बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में आता है, उस समय भी आता था। उस वक्त शहाबुद्दीन के एक साथी थे सिल्लू मियां। आरा और उसके आसपास के इलाके में सिल्लू मियां का खूब नाम चलता था। बाहुबली बनने की चाहत रखने वाले सुनील पांडे ने सिल्लू मियां से दोस्ती की और धीरे धीरे उसके राइट हैंड बन गए। फिर एक दिन सिल्लू मियां की हत्या हो गई। कहते हैं कि सिल्लू की हत्या में सुनील का नाम भी आया था, लेकिन सबूत नहीं थे तो कोई केस भी नहीं हुआ। फरवरी 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। इसी चुनाव में पहली बार समता पार्टी के टिकट पर सुनील पांडे भी आरा जिले की पीरो सीट से विधायक बने। बहुमत तो किसी को मिला नहीं था। तब भाजपा के समर्थन से नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश ने शपथ तो ले ली, पर बहुमत नहीं होने पर 7 दिन में ही इस्तीफा भी देना पड़ा। सुनील पांडे ने नीतीश के समर्थन के लिए सूरजभान सिंह धूमल, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों को खड़ा कर दिया था। मई 2003 में पटना के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र का अपहरण हुआ। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने जल्द ही डॉक्टर चंद्रा को छुड़ा लिया। जब तफ्तीश हुई तो नाम सामने आया सुनील पांडे का। मामला करीब 5 साल तक चला और 2008 में लोअर कोर्ट ने किडनैपिंग के मामले में सुनील पांडे समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुनील की जिंदगी कभी जेल में तो कभी फरारी में या जमानत पर गुजरी है। डॉक्टर चंद्रा के किडनैपिंग मामले में सुनील पांडे जब जेल में थे तब उन्होंने पीएचडी की। उन्होंने 2008 में आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से भगवान महावीर की अहिंसा पर पीएचडी की थी। सुनील पांडे 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार समता पार्टी से और 3 बार जदयू से। 2014 में जदयू जब एनडीए से अलग हो गई तो सुनील ने भी पार्टी छोड़कर लोजपा ज्वाइन कर ली। 2015 के विधानसभा चुनाव में सुनील पांडे को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन उनकी पत्नी गीता देवी को टिकट मिल गया। गीता देवी 2015 में तरारी सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद से महज 272 वोटों से हार गई थी। इस बार भी सुनील पांडे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने तरारी सीट से निर्दलीय ही लड़ने का फैसला लिया। 2010 में सुनील पांडे के ऊपर हत्या, हत्या की कोशिश जैसे 23 मामले दर्ज थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें उनके ऊपर 5 मामले ही दर्ज हैं। तो ये है एक बाहुबली की कहानी जिसने जेल में रहकर पीएचडी की और वो भी अहिंसा पर। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट। और इस मंच से हम घोषणा कर रहे हैं।